ब्रिटिश के मशहूर पोप सिंगर जॉर्ज माइकल का 53 साल की उम्र में निधन हो गया है। माइकल के पीआर ने जानकारी देते हुए बताया कि हम दुख के साथ इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमारे प्यारे भाई और दोस्त जॉर्ज का क्रिसमस के दौरान अपने घर पर निधन हो गया। 25 जून 1963 को जन्मे जॉर्ज माइकल का असली नाम जॉर्जियोस किरियाकोस पनाई ओटू था। जॉर्ज 2 बार ग्रैमी अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं। जॉर्ज माइकल के गानों का खासकर युवा पीढ़ी से जबरदस्त जुड़ाव था और उनका जीवन यूरोपीय पॉप कल्चर के इतिहास की अहम कड़ी माना जाता है। पॉप संगीत की दुनिया में जॉर्ज माइकल हमेशा ही बड़ा नाम रहे हैं और उनके हाल तक के कंसर्ट हाउस फुल रहते थे। हालांकि अपने जीवन में उन्हें ड्रग्स के इस्तेमाल और समलैंगिकता के आरोपों से भी जूझना पड़ा था। 1980 के दशक में जॉर्ज ने अपने स्कूल के दोस्त एंड्रयू रिजेले के साथ मिलकर वॉम बैंड बनाया था। वॉम के सिंगल एल्बम केयरलेस विस्पर को दुनिया भर में लोगों ने खूब पसंद किया। इस एल्बम की दुनिया भर में तकरीबन 60 लाख कॉपियाँ बेची गई थी। वहीं 2004 में रेडियो अकादमी ने जॉर्ज माइकल को 1984 से 2004 तक की अवधि के दौरान ब्रिटिश रेडियो पर सर्वाधिक बजाए जाने वाले कलाकारों का दर्जा दिया। आपको बता दें कि जॉर्ज के निजी जीवन और पेशेवर करियर पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री और डिफरेंट स्टोरी भी बनाई गई जो कि 2005 में रिलीज हुई। अपने करियर में उन्होंने कई लोकप्रिय एल्बम भी दिए जिनमें फेथ, लिसन विदाउट प्रेजुडाइज, सॉन्ग्स फ्रॉम द लॉस्ट सेंचुरी और पेशेंस शामिल हैं। अपने गानों से दुनिया भर के लोगों को दीवाना बनाने वाले पॉप सिंगर जॉर्ज माइकल अब नहीं रहे। उनके अचानक चले जाने से फैंस गहरे शोक में डूबे हुए हैं और माइकल को अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। देखते रहिए डीवी लाइव।